नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बीएसए ट्रिकी क्लासेस में। दोस्तों आज की मंडी परिषद की मैथ्स का आज हमारे प्रैक्टिस सेट 10th है, और जैसा कि अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है मैथ्स में वो चल रहा है नंबर सिस्टम, और ये आप सभी लोगों के लिए दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसका जो है 8th पार्ट है। ओके, तो इससे प्रीवियस पार्ट मैंने कुछ पावर वाले आप लोग को बताया था कैसे हम लोग का रिमाइंडर निकालते हैं। आज हम लोग दोस्तों भाग देने पर आधारित जो सेकंड मेथड उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बताएंगे। यदि दोस्तों यहाँ पर अगर एग्जाम में क्वेश्चन इस टाइप का आता है, अगर क्रमागत शेष निकालना है, यानी कि अगर कॉन्जिकेटिव अगर आप लोग को जो है रिमाइंडर फाइंड आउट करने हैं, तब आप लोग क्या करेंगे, और उसमें अगर आप लोगों से सबसे छोटी संख्या पूछ ली जाएगी तो कैसे करेंगे, और साथ ही दोस्तों अगर जो भाजक होते हैं यानी कि डिवाइडर के अगर हम लोग ऑर्डर को पलट देंगे, चेंज कर देंगे, तो उनके क्रमागत शेष पे उससे क्या फर्क पड़ता है, सारी बातें दोस्तों आज के इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाले। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिएगा, और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि दोस्तों आप लोग को जो हमारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट मिलते रहे। और अब आप लोग हम इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, और अभी तक अगर आप लोगों ने पार्ट वन से लेकर नाइन तक नहीं देखे तो जरूर देख लीजिएगा, ताकि दोस्तों नंबर सिस्टम टॉपिक आप सभी का क्लियर हो जाए। ओके, चाहे आप लोग लेखपाल की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे किसी भी एग्जाम की कर रहे हो, सभी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और इससे दो क्वेश्चन पक्के हैं आने। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की अपने इस क्लास को, बात करते हैं आज के अपने सबसे पहले क्वेश्चन की। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो है आप लोग का क्रमागत शेष निकालने पर आधारित प्रश्न है, और देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो मान लीजिए दोस्तों आपके एग्जाम में जैसा कि ये क्वेश्चन आ गया कि 343 एक नंबर दिया गया है, और आप लोगों से इसमें कहा जा रहा है कि 5, 6 और 7 से अगर लगातार भाग देंगे तो उनके क्रमागत शेष क्या होंगे। ठीक है, यानी कि 343 को अगर 5 से भाग करेंगे तो क्या शेष बचेगा, 6 से भाग करेंगे तो क्या शेष बचेगा, और 7 से, मतलब लगातार भाग करते चले जाएंगे तो क्रमागत शेष क्या क्या आएंगे, तो ये बताना है आपको। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, तो जब भी इस टाइप का अगर क्वेश्चन आएगा तो देखिए संख्या लिखेंगे हम लोग, आपको बता देते हैं देखिए करना क्या, किस तरीके से करना है आप लोगों को। अगर मान लीजिए कोई आपको जैसे कि कोई नंबर दिया गया है, कोई संख्या दी गई है, और आप लोगों से क्रमागत शेष पूछा था, कह रहा है कि अगर हम लोग उसको D1 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, D2 से डिवाइड करेंगे और D3 से डिवाइड करेंगे, तो उसके क्रमागत शेष दोस्तों क्या होंगे ये आप लोग को बताना है। चलिए D1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कुछ भागफल यहाँ पर आ जाएगा, मतलब भागफल आ जाएगा हमारा यहाँ पर 1। ठीक, फिर D2 से डिवाइड किया इसको तो हमारा आ जाएगा भागफल 2। ठीक है, यहाँ पर आ गया दोस्तों आपका भागफल 2। D3 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, नीचे भागफल 3 आ जाएगा, और कुछ यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा, वही हमारा क्रमागत शेष होता है R1, R2 और R3। तो ये क्या चीज है दोस्तों जो मैंने अभी आपको ये करके दिखाई है, अब इसको हम लोग एग्जाम्पल में देखते हैं, आपको बताते हैं, तो ये आप लोग के क्लियर हो जाएगी। तो एक मेथड है, ये ट्रिक है, इसके थ्रू क्वेश्चन आप लोग बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं, तो आइए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, एक नंबर दे रखा है आपको 343, तो क्या करेंगे हम लोग 343 को ऐसे लिख लेंगे, क्लियर है। अब इसको कहा जा रहा है यहां से किसको, 5 से 6 से और 7 से, लगातार का मतलब जो भी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट बता रहे हैं कॉन्जिक्यूटिव होता है, यानी कि क्रमागत, ठीक है ना, कॉन्जिक्यूटिव। और इसके बाद दोस्तों आपको बता दें इसका करना है क्या, इसको 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 से डिवाइड करके दिखा देते हैं आपको क्या आ जाएगा दोस्तों, 5 6 30 बचा 4, 5 8 40। तो दोस्तों यहां पर जो रिमाइंडर बचेगा इसको साइड में लिखते रहिएगा, तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचा दोस्तों, 40 है, बचेगा 3, तो ये लिख लिया आप लोगों ने 3, यही जो है आप लोग का शेष निकल रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिए दोस्तों, क्या करा हमने, 5 से इसको डिवाइड किया, यहाँ पर 68 आ गया और रिमाइंडर बचा हमारा 3। अब क्या कह रहा है, इसके बाद इसको 6 से डिवाइड करेंगे, तो 6 से दोस्तों लगातार अब 6 को इसका जो भागफल आता है इससे डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 6 कम 6, 6 कम 6, अब कितना रिमाइंडर बचा दोस्तों, सिर्फ 2 बचा, क्योंकि यहाँ 6 आ गया, 8 में 6 गया, बचेगा 2, क्लियर है इतनी बात। ओके, अब क्या करें दोस्तों, इसको 7 से डिवाइड करते हैं, तो चलिए 7 से डिवाइड कर ले रहे हैं, 7 एकम 7, बचा कितना दोस्तों, 7 4 11। तो दोस्तों ये जो है आपका 3 2 और 4, तो यही दोस्तों आप लोग का आंसर है, क्रमागत शेष आप लोगों से पूछे जा रहे थे, तो आप लोग के क्रमागत शेष यहाँ पर आ चुके हैं, ये है आप लोग का 3, 2, 4, ये है आपका क्रमागत शेष वाला। ठीक है, आई होप जो भी मैंने अभी आपको ये मेथड बताया ये आपके समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना है दोस्तों आप लोगों, अगर कॉन्जिक्यूटिव कह रहा हूँ कि लगातार इसको अगर डिवाइड करते रहे जो नंबर आपको दिए गए, और आपको जो है कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, तो आप लोग को डायरेक्टली इस टाइप से अगर क्वेश्चन लगाएंगे तो आप लोग का आंसर इस तरीके से निकल आएगा। चलिए दोस्तों अब आप लोग की प्रैक्टिस के लिए एक इसी टाइप का एक हमने और क्वेश्चन लिया, और आप लोग बताइए, काफी इजी क्वेश्चन, और इसका जो है क्रमागत शेष यहाँ पर क्या आएंगे, तो सभी लोग लगाने की कोशिश कीजिए, बताइए दोस्तों इसका क्या आंसर होगा। तो कुछ देर वेट करते हैं, उसके बाद आप लोग को बताएंगे कि कैसे लगाना है। ठीक है, तो लगाइए दोस्तों आप लोग कि 242 में अगर 8 एवं 9 से लगातार भाग देने पर उनके क्रमागत शेष क्या होंगे।
तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर हमने लिख लिया नंबर, क्लियर है 242। अब क्या करना है, इसको एक बार 8 से डिवाइड करना है और इसका जो भागफल आएगा उसको 9 से डिवाइड करना है। तो देखिए दोस्तों 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर, 8 3 24, 8 0 0, तो आपका रिमाइंडर कितना बचेगा यहाँ पर, 2 बचेगा। क्लियर है, ठीक। इसके बाद दोस्तों इसको किससे डिवाइड करना है, 9 से डिवाइड करना है, तो 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 9 3 27, तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा दोस्तों आपका, 3 बच जाएगा। तो आप लोग के यहाँ पर क्रमागत शेष क्या आ गया, आंसर आ गया होगा आप सभी का, तो क्रमागत शेष आ गया दोस्तों आप लोग का 2,30। तो इस तरीके से अगर क्रमागत वाले क्वेश्चन आएंगे, क्रमागत शेषफल निकालने पर आधारित प्रश्न आएंगे, तो आपको इस टाइप से लगाना पड़ेगा। क्लियर है इतनी बात, ओके। अब देखिए अगर अगला टाइप आता है यहाँ पर, अगर सबसे छोटी संख्या निकालनी हो और जहां पर आप लोग को नंबर भी दिए हो जिससे डिवाइड करना है और साथ में आपको शेषफल भी दिया हो, जो अभी तक हम लोग जो शेषफल निकाल रहे थे वो अब आपको पता होगा, जिससे डिवाइड करना है वो भी आपको पता होगा, बस यहाँ पर आपको नंबर नहीं पता होगा, जैसे कि आपको यहाँ पर दिया गया था 242, ये अब की बार आपको निकालना है। आपको यहाँ पर अब की बार ये क्वेश्चन में दिया जाएगा कि आपको नंबर दिए हैं कि 8 और 9 से लगातार डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने के बाद उनके जो क्रमागत शेष हैं वो 2,3 आते भी हैं, लेकिन आपको ये दोनों देने के बाद ये चीज पता नहीं होगी। तो कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे, तो आइए देखते हैं क्या है इसकी ट्रिक, क्या है लॉजिक, क्या है टेक्निक। आइए अब देखते हैं, बताते हैं आपको क्या करना है इसमें। देखिए क्या है क्वेश्चन, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 4, 6 एवं 8 से लगातार भाग देने पर क्रमागत शेष 3, 4 एवं 2 प्राप्त होता है। तो अब अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ गया है आप लोग के सामने तो कैसे आपको लगाना पड़ेगा एग्जाम में, तो आइए देखते हैं। देखिए एक तरफ आपको संख्या भागफल दे रखा है, ठीक है, और एक तरफ दोस्तों आप लोग को जो है शेषफल दिया गया है, ठीक है। ये आपको भाजक दिए हुए हैं जो आपको डिवाइड करने, और ये आप लोग को शेषफल दिया गया है। क्या दिया गया है दोस्तों आपको यहाँ पर, 4, 6 और 8, और इधर दिया गया है जब डिवाइड करते हैं तो शेष बचता है 3, 4 और 2। तो देखिए देखिए क्या शॉर्टकट टेक्निक अब हम आपको बताने वाले हैं, शायद आप लोगों ने इससे पहले कभी पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, लेकिन आपको पता नहीं हो कि देखिए क्या है ये टेक्निक फॉलो करेंगे। ये दोस्तों ये मैं बना रहा हूँ, देखिए इसका क्या काम है भी आपको बताते हैं। देखिए सीधी लाइन है, इस पर हम लोग इस तरीके से ये बना देंगे और इसको दोस्तों इस तरीके से बना देंगे। तो अब संख्या जो भी आएगी तो देखिए क्या आएगी, यहाँ नीचे से स्टार्ट करेंगे, नीचे से हमेशा कहाँ से स्टार्ट करेंगे, नीचे स्टार्ट करेंगे। तो 8, और ये ध्यान से देखिए ये आपका प्लस का साइन है, देखिए ये आपका साइन दोस्तों प्लस का है, तो 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों ये मल्टीप्लाई का साइन है, तो जो 10 आया है 10 उसकी मल्टीप्लाई आपको किससे करनी है, 6 से करनी है, तो 10 6 60, 60 के बाद दोस्तों ये फिर प्लस बना है, तो 60 को 4 में ऐड करेंगे तो 64 हो जाएगा, 60 प्लस 4 64। उसके बाद 64 की मल्टीप्लाई दोस्तों क्या है आप लोग को किससे करनी है, 64 की मल्टीप्लाई आपको करनी है यहाँ पर 4 से, ठीक है। तो 4 4 16, 4 6 24, 25 कितना हो गया, 256 हो गया, और 256 में 3 को जोड़ देना है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों आप लोग का, 57 58 59। तो यहाँ पर वो सबसे छोटी संख्या आ जाएगी 259। क्लियर है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों अगर आप लोग को क्रमागत शेष पता हो और किन किन से लगातार भाग दिया जा रहा है वो भी अगर आपको पता है तो ये टेक्निक फॉलो कीजिएगा, ठीक है। ये कुछ नहीं, सिंपल से इस तरीके का एक उल्टा जेड बनाना है और जो सीधी लाइन है उनको जोड़ना है और जो टेढ़ी वाली लाइन है उनको मल्टीप्लाई करना है। देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पर ये प्लस किया, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस। तो ये इसकी है शॉर्टकट टेक्निक, अगर आप लोग इसको फॉलो करेंगे तो ना तो कोई रूल का ध्यान रखना है, ना कोई फॉर्मूला इसमें है, ना कुछ है, सिर्फ और सिर्फ ये एक शॉर्टकट टेक्निक है। अगर आप लोग इसका यूज करेंगे तो आप लोग का क्वेश्चन जो है वो कम से कम टाइम में लग जाएगा। बात रहती है इसकी पीडीएफ फाइल की, तो आप लोग को पीडीएफ फाइल इसकी प्रोवाइड करा दी जाएगी। अगर आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आप सभी को जो है मैथ्स से रिलेटेड नोट्स मिलते रहे, जो भी मैं आपको बताऊंगा उसको नोट्स के रूप में भी प्रोवाइड कराऊंगा, ओके। और बस वीडियो को दोस्तों आप लोग इतना कीजिए, आप लोग वीडियो को शेयर करते रहिए जिससे कि और भी लोग जो है इससे जुड़ सके। चलिए दोस्तों बस आप लोग इस काम में हमारा सहायता कीजिए। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, देखिए आपका क्या दिया गया है, ध्यान दीजिए। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 12 एवं 15 से भाग देने पर क्रमागत शेष 8 एवं 10 प्राप्त होता है। तो अब आप लोग कोशिश कीजिए, बताइए इसका आंसर क्या आएगा। करना वही है, सिंपल सा लिखेंगे हम लोग 12 और 15 और शेष दिया है दोस्तों आप लोग को 8 और 10। तो दोस्तों कैसे करते हैं हम लोग, टेक्निक ये बनाया, इसके दोस्तों हम लोग इसके पास गए, फिर ये बनाया, ठीक।
तो यहां यहां पर प्लस और बीच में मल्टीप्लिकेशन। तो दोस्तों यहां से स्टार्ट करिए आप लोग, क्या आएगा 15 और 10 कितना हो जाएगा 25, 25 के मल्टीप्लाई दोस्तों आप लोग किससे करेंगे यहाँ पर 12 से करेंगे, तो 12 पंजे 60, 12 दूनी 24 और 6 30, तो हो गया 300, और 300 में 8 को ऐड कर देंगे तो फाइनली दोस्तों जो आप लोग का आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 308। यही वो सबसे छोटी संख्या है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप लोगों से क्रमागत शेष दिया हो और आप लोग को भाजक भी दे रखे हो, तब आप लोग इस और मेथड को फॉलो करके आराम से आंसर निकाल पाएंगे। तो फिलहाल दोस्तों आज इतना ही रखते हैं, और इसका जब नेक्स्ट पार्ट आएगा, क्योंकि वीडियो जो है लंबी हो जाती है, फिर आप लोग का इंटरेस्ट जो है खत्म होने लगता है और जो है इतना स्पेस नहीं रहता, क्योंकि अपलोडिंग करने में जो है बहुत टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, तो अभी इसका एक टाइप बचा, ये भाजकों का अगर हम लोग क्रम जो है पलट दिया जाए तो उनके क्रमागत शेष क्या होंगे। जैसे कि जो आपके भाजक दिए थे D1 D2 D3, अगर दोस्तों इनके क्रम को बदल दिया जाए तब से और जो क्रमागत शेषफल जो आपके आ रहे थे इन पर क्या फर्क पड़ेगा, तो इसके हम लोग नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। ठीक है, तो बने रहिएगा दोस्तों आप लोग अपने चैनल BSET की क्लासेस में। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस जरूर कीजिएगा, जिससे कि आप सभी को जो है हमारे जो है डेली वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन मिलते रहे। फिलहाल अभी इतना ही, फिर मिलते हैं आप लोगों से इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।